दोस्तों, ये जो आप जहाज देख रहे हैं इसका नाम दिया गया है आरएमएस टाइटैनिक। एक ब्रिटिश पैसेंजर जहाज है जो कि व्हाइट स्टार लाइन के द्वारा ऑपरेट किया गया है, जो कि 15 अप्रैल साल 1912 को साउथहैम्प्टन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क शहर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की अपनी पहली यात्रा के दौरान एक आइसबर्ग से टकराने के बाद नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में डूब जाता है, जिसमें करीब 2224 पैसेंजर्स और क्रू में से 1500 से अधिक लोगों की डेथ हो जाती है, जिससे यह उस समय तक किसी सिंगल जहाज का डूबना सबसे डेडलीस्ट एक्सीडेंट बन जाता है। दोस्तों, टाइटैनिक नाम ग्रीक मिथोलॉजी के टाइटन से लिया गया है। बेलफास्ट आयरलैंड में बिल्ड, जो उस समय ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम था, आरएमएस टाइटैनिक 3 ओलंपिक क्लास के समुद्री जहाजों में से दूसरा था। दोस्तों, 10 अप्रैल 1912 को आरएमएस टाइटैनिक न्यूयॉर्क शहर की ओर जाने वाली अपनी पहली यात्रा पर इंग्लिश सिटी साउथहैम्प्टन से रवाना होता है। व्हाइट स्टार लाइन द्वारा ऑपरेटेड ब्रिटिश पैसेंजर लाइनर जहाज कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ की कमान में है और इसमें 1300 पैसेंजर्स और 900 ऑफिसर्स और क्रू की एक टुकड़ी है। दोस्तों, ब्लीप टू भी माने जाने वाला टाइटैनिक दूसरे जहाज के झटके को झेलने के लिए बनाया गया था, लेकिन आइसबर्ग के लिए नहीं। कोलाइजन के पॉइंट तक जहाज आइसफील्ड में नहीं था और कुछ ऑफिसर्स को देखने पर आइसबर्ग काफी दूरी पर दिखाई दे रहे थे। टक्कर के समय स्मिथ जहाज के ब्रिज पर तैनात नहीं होते हैं। 14 अप्रैल साल 1912 को एसएस कैलिफोर्नियन इस एरिया के कई जहाजों में से एक था। जनरल कार्गो सी 440 फुट लंबे जहाज में 47 लोगों का क्रू मौजूद होता है, जिसका लीड कैप्टन स्टेनली लॉर्ड कर रहे होते हैं। उस दिन की शुरुआत में कैलिफोर्निया के वायरलेस ऑपरेटर सिरिल इवांस ने इस एरिया के अन्य जहाजों के साथ बर्फ, वेदर कंडीशन और उसके लोकेशन के बारे में मैसेज का आदान प्रदान किया। टाइटैनिक टेलीग्राफ ऑपरेटर जैक फिलिप्स ने केप रेस न्यूफाउंडलैंड के एक रिले स्टेशन से इंफॉर्मेशन रिसीव करते समय इस मैसेज को इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद इवांस ने कैलिफोर्निया के वायरलेस रूम में साइन करते हैं। 14 अप्रैल साल 1912 को रात 11:40 पर 3 घंटियां बजती है, जिससे यह सिग्नल मिला कि टाइटैनिक के रास्ते में कुछ है। यह एक आइसबर्ग था और जहाज को मोड़ने और उसे टकराने से बचने के लिए इनफ समय नहीं होता है। केवल 30 सेकंड में टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराता है, फिर 10 मिनट तक आगे बढ़ने की घातक मिस्टेक कर देता है। डैमेज ढूल में पानी भरने से जबरदस्त प्रेशर बनता है, जिससे कैप्टन स्मिथ को जहाज रोकना पड़ता है। दोस्तों, 15 अप्रैल साल 1912 की आधी रात के तुरंत बाद टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटर के पास के जहाजों को SOS सिग्नल भेजना शुरू कर देते हैं। फिर SOS टाइटैनिक के एसोसिएटेड जहाज ओलंपिक साथी मेसावा, माउंट टेम्पल, बाल्टिक फ्रैंकफर्ट, कैलिफोर्निया, वर्जीनियन, बर्मा और इवेंचुअल रेस्क्यू जहाज कार्पेथिया तक पहुंच गया। दोस्तों, जैसे ही टाइटैनिक पर सवार लाइफ बोट को बर्फीले पानी में उतारा जा रहा था, एक मिस्ट्री जहाज जिसे लंबे समय से एसएस कैलिफोर्नियाई माना जाता है, पैसेंजर्स के द्वारा दूर से देखा जा सकता था, लेकिन हेल्प करने के लिए टाइटैनिक के करीब नहीं गया। 15 अप्रैल साल 1912 को सुबह अप्रोक्सीमेटली 2:20 पर टाइटैनिक डूब गया, जिसमें 1500 पैसेंजर्स की जान चली गई। टाइटैनिक में से कोई भी SOS मैसेज को भेजने से पहले कैलिफोर्निया के बर्फ में रुकने के कारण जहाज को डूबने वाले लाइनर की हेल्प के लिए कॉल भेजे जाने के घंटों बाद तक भोर तक दिखाई नहीं दी। इसके बाद कैलिफोर्निया तुरंत डूबे हुए जहाज की ओर बढ़ा और माउंट टेम्पल और कार्पेथिया दोनों का सामना किया, जिससे 700 जीवित बचे लोगों को न्यूयॉर्क शहर वापस लाया गया। दोस्तों, ट्रेजेडी के केवल 4 दिन बाद यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने टाइटैनिक डिजास्टर की इंक्वायरी करना शुरू करते हैं और तुरंत कंक्लूडिंग निकाला कि 80 विटनेस की गवाही के आधार पर कैलिफोर्निया एकमात्र जहाज था जिसे टाइटैनिक क्रू और पैसेंजर ने देखा था। हालांकि लॉज टेम्परिंग और 2 पैसेंजर की हानिकारक गवाही सहित कई डिटेल्स बताते हैं कि माउंट टेम्पल मिस्टीरियस शिप था। US और ब्रिटिश इंक्वायरी ने डिटरमाइन किया कि कैलिफोर्नियन और कैप्टन लॉर्ड बिना किसी सीरियस रिस्क के पानी को खोलने के लिए बर्फ में धकेल सकते थे और टाइटैनिक पर पैसेंजर्स को बचाने के लिए और भी कुछ कर सकते थे। लॉर्ड और कैलिफोर्नियन क्रू मेंबर्स को इस ट्रेजेडी में उनकी रोल के लिए बरसों तक क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, हालांकि उनके खिलाफ कोई फॉर्मल चार्जेस नहीं लगाया गया। 10 को बाद 1 सितंबर साल 1985 को टाइटैनिक का मलबा उसके ट्रू फाइनल रेस्टिंग पैलेस पर पाया गया। साल 1992 की मैरीन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच MAIB की रिपोर्ट में कहा गया है, टक्कर के समय कैलिफोर्निया टाइटैनिक से 17 से 20 मील के बीच था। लॉर्ड की गवाही से नेविगेशन गणना का मिलान किया गया और अंततः उसे और कैलिफोर्निया को सही ठहराया गया। दोस्तों, डिजास्टर के बाद तक इस बारे में कोई डाउट नहीं था
कि टाइटैनिक किस कारण से डूबा। जैसे ही जहाज नॉर्थ अटलांटिक में फिसला वैसे ही यह सीक्रेट भी खुल गया कि वह कैसे और क्यों डूबा। डिजास्टर के तुरंत बाद की गई दो गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन में इस बात पर एग्री हुए कि टाइटैनिक के डूबने का कारण जहाज की कोई कमजोरी नहीं बल्कि आइसबर्ग था। दोस्तों दोनों इंक्वायरी से यह कंक्लूड निकला कि जहाज सही सलामत बॉटम तक चला गया था। इस इंसिडेंट का ब्लेम जहाज के मृत कप्तान ईजे स्मिथ पर पड़ा, जिन्हें न्यू फॉलैंड के कोस्ट से दूर अंधेरे पानी में एक ज्ञात आइस फील्ड के माध्यम से 22 समुद्री मील की दौड़ के लिए निंदा की गई थी। टाइटैनिक का मामला बंद मान लिया गया था, लेकिन इस इंडस्ट्रियल जहाज को डुबाने के कारणों के बारे में लंबे समय से चले आ रहे सवाल कभी भी पूरी तरह से गायब नहीं हुए। साल 1985 में जब ओशियनोग्राफर रॉबर्ट ब्लार्ड ने वर्षों की खोज के बाद अंततः जहाज के रिमेंस को ओशियन बॉटम पर 2.5 माइल्स नीचे पाया, तो उन्होंने पाया कि डूबने से पहले इनफैक्ट सरफेस पर दो टुकड़ों में टूट गया था। उनके फाइंडिंग्स ने टाइटैनिक को जनता की इमेजिनेशन में फिर से उभार दिया। एक्सपर्ट्स को आश्चर्य हुआ कि यह क्यों फटा। यदि ऑफिशियल इंक्वायरीज गलत थी तो क्या इनविनकेबल टाइटैनिक बिग था। बेलार्ड द्वारा मलबे की खोज के कुछ साल बाद जहाज के पहले टुकड़ों को सरफेस पर लाया गया था। जब वे फिजिकल एविडेंस पेश करते दिखे तो और भी अधिक आईब्रो चढ़ गई कि लो क्वालिटी स्टील ही डिजास्टर का कारण हो सकता है, जो उस समय की साइंटिफिक कॉन्सेंस को काफी हद तक प्रतिबिंब करता है। टाइटैनिक को टेरिफाइंग लास्ट मूवमेंट को नष्ट कर दिया। फिर भी टाइटैनिक के बारे में आंसर की खोज यही एंड नहीं हुआ। दो नई किताबों में हिस्टोरियन नेवल आर्किटेक्ट्स और मटेरियल साइंटिस्ट के एक ग्रुप का आर्ग्यू है कि फ्रेश एविडेंस ने टाइटैनिक की फैमिलियर स्टोरी को और अधिक अनरिवील कर दिया है, जिससे इस डिजास्टर के कारण के बारे में और अधिक सवाल खड़े हो गए हैं। What really sank the Titanic? New forensic discoveries में Oregon Health and Science University के material scientist Jennifer Hooper McCarty और National Institute of Standards and Technology scientist के टीम फोहेके ने दावा किया कि यह जहाज का नहीं था, स्टील जो कमजोर था। यह रिवेक्टर सभी इंपॉर्टेंट मेटल पिन थे जो स्टील हुल प्लेट्स को एक साथ रखते थे। टाइटैनिक का लास्ट सीक्रेट पब्लिश होने वाली यह बुक मलबे के डाइविंग करने वाले हिस्टोरियन रिची कोहले और जॉन चेल्टन के काम का डिस्क्राइब करती है, जिनका मानना है कि टाइटैनिक के बॉटम को हाल ही में खोजे गए दो टुकड़े यह प्रूफ करते हैं कि जहाज का पिछला भाग कभी भी हवा में उतना ऊंचा नहीं उठा जिस तरह कैमरून सहित कई टाइटैनिक एक्सपर्ट्स ओरिजिनली थे। विश्वास किया दो डाइवर्स जिनकी खोज हुई जर्मन यू बोट की खोज साइडो डाइवर्स बुक में दर्ज की गई थी, जिसमें कहा गया है कि जहाज टूट गया और सरफेस पर रिलेटिवली फ्लैट रहते हुए डूब गया। वीकनेस का यह पोटेंशियल साइन उनका मानना है कि जिससे बाद में डिजास्टर के बारे में कवर किया गया था। दोस्तों जब साल 1909 में टाइटैनिक की आधारशिला रखी गई थी तो जहाज का निर्माण करने वाला बेलफास्ट शिप बिल्डर हार्लैंड और बोल्फ को सर्टेनली विश्वास नहीं था कि 100 साल बाद भी इनका डिजाइन कंट्रोवर्शियल रहेगा। एक राइवल कंपनी के द्वारा न्यू जनरेशन के फास्ट लाइनर के कंस्ट्रक्शन के जवाब में बिल्ड टाइटैनिक और उनकी सहयोगी जहाज ओलंपिक और ब्रिटैनिक अब तक बनी सबसे बड़ी जहाज थी। धनुष से लेकर स्टर्न तक वे लगभग 900 फीट लंबे थे, यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े जहाज भी बोने थे। गगनचुंबी मारते बड़ी लहरें और बड़ी कोलाइजन सहित नॉर्थ अटलांटिक के चैलेंजेस से निपटने के लिए स्पेसिफिकली आउटफिट उन्हें सबसे सुरक्षित भी माना जाता था। टाइटैनिक अपने 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में से 4 में पानी भर जाने के बाद भी तैरता रह सकता है, जितना इसके आकार के जहाज पर कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। दोस्तों हालांकि 14 अप्रैल साल 1912 की रात को टाइटैनिक की पहली यात्रा के कुछ ही दिन बाद इसकी अकली झील एक्सपोज्ड हो गई। जहाज उस आइसबर्ग से बचने के लिए पर्याप्त फुर्तीला नहीं था जिसे अंधेरे में आखिरी मिनट में लुकआउट्स ने देखा था। जैसे ही बर्फ इसके स्टार बोर्ड की तरफ से टकराई इसने जहाज के स्टील प्लेट्स में छेद कर दिया जिससे यह डिब्बों में पानी भर गया। 2 घंटे से कुछ अधिक समय में टाइटैनिक पानी से भर गया और डूब गया। दोस्तों लो क्वालिटी साइंटिस्ट को मलबे से पहले फिजिकल एविडेंस का स्टडी करने में एबल होने में 70 साल से अधिक समय बीत गया। जैसा कि भाग ने चाहा था, नीचे से खींचे गए स्टील के पहले टुकड़े ने रहस्य का अंत कर दिया। जब स्टील को बर्फ के पानी में रखा गया और हथौड़े से मारा गया तो वह टूट गया। साल 1990 के डेकेड्स के अधिकांश समय में साइंटिस्ट ने सोचा था कि यह ब्रिटल स्टील भारी बाट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। हाल ही में जहाज के अन्य 2 बड़े टुकड़ों पर टेस्टिंग ने इस थ्योरी को खारिज कर दिया है। साइंटिस्ट ने पाया कि ओरिजिनल पीस अनयूजुअली कमजोर था
जबकि टाइटैनिक का बाकी स्टील टेस्ट में पास हो गया था। मलबे की जांच के लिए सोसाइटी ऑफ नेवल आर्किटेक्ट्स एंड मैरीन इंजीनियर द्वारा इन्वेस्टिगेट फॉरेंसिक पैनल के चेयरमैन विलियम गार्जेक कहते हैं, अब हम जानते हैं कि स्टील में कुछ भी गलत नहीं था। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन की तलाश में एक्सपर्ट्स एक और पोटेंशियल कमजोर कड़ी पर पहुंचे। जहाज को एक साथ पकड़ने वाले 3 मिलियन से अधिक रिवेक्टर्स मैकेकार्टी और फोके ने मलबे से लाए गए 48 रिवेक्टर्स की जांच शुरू की और पाया कि उनमें स्लैग की हाई कॉन्सेंट्रेशन थी, जो गलाने का अवशेष है, जो मेटल के फ्रैक्चर का खतरा बन सकता है। दोस्तों, हार्लैंड और वुल्फ आर चिप्स में रिसर्चिंग करते हुए एम्बिशन प्लान्स को उनके शिपयार्ड पर भारी दबाव डाला था। फोके कहते हैं, लागत के कारण नहीं बल्कि समय के दबाव के कारण उन्होंने लो क्वालिटी मटेरियल का यूज करना शुरू कर दिया। इस घटिया लोहे को जहाज के धनुष और स्टर्न के हाथ में ठोका जाता था, जहां स्टील किलक में ठोकने के लिए रिक्वायर्ड बड़ी मशीन फिट नहीं होती थी। दोस्तों, मैकेकार्टी और फोके कहते हैं, जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तो धनुष में लगे कमजोर आयरन रिवेक्टर्स चटक गए, जिससे हुल की सीढ़ियां ओपन हो गई और जहाज जल्द ही डिमिस हो गया। फोएके का कहना है कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं है, कि बाढ़ हुल के उस पॉइंट पर रुक गई जहां स्टील रिवेक्टर शुरू हुए थे। दोस्तों, हार्लैंड एंड वुल्फ, जो अब एक इंजीनियरिंग और डिजाइन फर्म है, इस धारणा को स्पष्ट रूप से खारिज करती है कि इसके रिवेक्टर्स कमजोर थे। कंपनी के रिटायर्ड आर्किविस्ट टॉम मेलिस्की बताते हैं कि टाइटैनिक की सहयोगी जहाज ओलंपिक को उसी आयरन से जोड़ा गया था और यह 25 वर्षों तक बिना किसी इंसिडेंट के काम करता रहा। कई बड़ी टक्करों से बच गया, जिसमें एक ब्रिटिश क्रूजर द्वारा टक्कर मारना भी शामिल था। मैकलुस्की कहते हैं, ओलंपिक ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जानबूझकर एक जर्मन सबमरीन को टक्कर मार दी और उससे आधा काट दिया। वह काफी मजबूत भी था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एक माइन से टकराने के बाद टाइटैनिक डूब गया। टाइटैनिक डिजास्टर के बाद दोनों जहाजों को डबल हुल्स और लंबे बल्कहेड के साथ मजबूत किया गया था, लेकिन उनके रिवेक्टर्स कभी नहीं बदले गए। दोस्तों, स्ट्रॉन्ग रिवेक्टर्स ने डूबने की प्रोसेस को धीमा कर दिया होगा, लेकिन एक बार जब टाइटैनिक के 6 डिब्बों में पानी भरना शुरू हो गया तो जहाज के डूबने में कुछ ही समय बाकी था। हालांकि इस बारे में प्रश्न बने हुए हैं कि आखिरकार जहाज कैसे और क्यों टूटा और डूब गया। दोस्तों, साल 2005 में कोहलर और चैटर्टन द्वारा ऑर्गेनाइज्ड एक अभियान में एक नया क्लू मिला। मेन मलबे वाली जगह से दूर भटकते हुए उन्हें ओशियन फ्लोर पर शिप बॉटम के 2 बड़े टुकड़े मिले। बारीकी से जांच करने पर पता चला कि हुल सेक्शन के 2 हिस्से एग्जैक्टली उसी जगह विभाजित हो गए थे जहां जहाज 2 हिस्सों में टूटा था, जिससे वे जहाज के फाइनल मूवमेंट्स के रहस्य की पॉसिबिलिटी बन गए। साइमन मिल्स, एक ओलंपिक क्लास शिप हिस्टोरियन जिन्होंने गोताखोर को सलाह दी थी, इस खोज को लाइकली पिछले 20 वर्षों में किए गए टाइटैनिक रिसर्च का सबसे इंटरेस्टिंग पीस कहते हैं। दोस्तों, जब अभियान में साथ देने वाले हायर्ड नेवल आर्किटेक्ट रोजर लॉन्ग ने हुल पीस के किनारों का एनालाइजिंग करना शुरू किया तो वह एक सरप्राइजिंग कंक्लूजन पर पहुंचे। उनका मानना था कि जहाज का टूटना उस तरह से इम्पॉसिबल था जिस तरह से 2 दशकों के एक्सपर्ट्स मानते आ रहे थे। जहाज के हुल टूटने से पहले स्टर्न 45 डिग्री के कोण तक उठ गया था। वह कहते हैं, बहुत सारी कॉन्ट्रेडिक्टरी थिंग्स हैं जिन्हें आप टुकड़ों में देख सकते हैं, लेकिन सभी कॉन्ट्रेडिक्शन को समझाने के लिए मेरे पास एकमात्र सिनेरियो यह था कि जहाज बहुत शैलो एंगल पर टूटा था। टुकड़ों की बारीकी से एग्जामिनेशन से पता चला कि वे टूटने के बीच में ही टूट गए थे। एक साइन लॉन्ग कहते हैं कि जहाज अभी भी लॉन्ग इनफ एंगल पर था। उनका अनुमान केवल 11 डिग्री है। दोस्तों, यह वास्तव में क्यों मायने रखता है कि जहाज 2 हिस्सों में कैसे टूटा? टाइटैनिक पैसेंजर के लिए शायद यह जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर रहा होगा। चैटर्टन कहते हैं, फिल्म में स्टर्न ऊपर उठता है और फिर डूब जाता है। यह एक लंबा ड्रामेटिक एक्सपीरियंस है, लेकिन लॉन्ग के सिनेरियो में जहाज थोड़ा सा ही झुका होगा क्योंकि धनुष में पानी भर गया था, जिसे जहाज पर मौजूद लोगों को सिक्योरिटी का झूठा एहसास हुआ। यदि आप डेक पर 10 डिग्री झुकाव के साथ खड़े हैं और वे कह रहे हैं जल्दी करो, हर कोई लाइफ बोट में चला जाता है, तो आप सोच रहे हैं तुम्हें पता है चीजें यहाँ इतनी बुरी तरह से नहीं दिख रही है, शायद मैं कर सकता हूँ, बस बार में ही रहो। चैटर्टन कहते हैं, पैसेंजर और क्रू के कई लोगों ने उस सिचुएशन की गंभीरता को नहीं समझा जिसमें वे थे। ऑफ कोर्स, क्योंकि टाइटैनिक में केवल आधे पैसेंजर के लिए ही इनफ लाइफ बोट्स थे, इसीलिए बहुत से लोग कभी भी जीवित जहाज के बाहर नहीं निकल पाते थे। लॉन्ग कहते हैं, जब धनुष में इनफ पानी भर गया तो जहाज 2 हिस्सों में बट गया और कुछ ही मिनटों में डूब गया। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि सर्वाइवर के अधिकांश गवाही इवेंट्स के इस सिक्वेंस की कन्फर्म करती प्रतीत होती है
टाइटैनिक के चीफ बेकर चार्ली जेफिन ने कहा कि जहाज डूबा तो वह स्टर्न के पास खड़े थे, लेकिन उन्होंने हाई एंगल टूटने के किसी भी साइन की रिपोर्ट नहीं दी। कोई सक्शन नहीं, कोई बड़ा छींटा नहीं और सरफेस पर कोई रोलर कोस्टर सवारी नहीं। उन्होंने कहा कि वह अपने बालों को गीला किए बिना जहाज से दूर तैरकर चले गए। कैमरून फिल्म के विपरीत स्टर्न के नीचे जाने पर किसी भी लाइफ बोट से कोई बड़ी लहर की रिपोर्ट नहीं मिली थी। जीवित बचे एक व्यक्ति ने बताया कि वह पानी में फिसल गया। उसने पलटकर देखा और पाया कि जहाज गायब हो गया था। लॉन्ग कहते हैं वह जहाज से 50 फीट दूर पानी में था। उसने एक स्लोप सुना और वह गायब हो गया। दोस्तों, अगर 25,000 टन स्टील पास में गिर जाए तो यह किसी पर्सन को याद नहीं रहेगा, जबकि लाइफ बोट्स में जीवित बचे कुछ लोगों को जहाज के पिछले हिस्से को हवा से ऊपर उठते हुए देखना याद था। लॉन्ग का कहना है कि यह एक ऑप्टिकल इल्यूजन हो सकता है। 11 डिग्री के कोण पर जहाज के प्रोपेलर को पानी से बाहर उठाया होगा, जिससे जहाज जो पहले ही लगभग 20 मंजिले लंबा है और भी लंबा दिखाई देता है, और पानी में इसका कोण और भी अधिक तीव्र दिखाई देता है। दोस्तों, फिल्म टाइटैनिक के टेक्निकल एडवाइजर का कहना है कि कैमरून, जिन्होंने कमेंट के रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दिया, तो शायद इस बात की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने उस कोण को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जिस पर जहाज डूबा था। दोस्तों, हालांकि जहाज कैसे टूटा इसकी एग्जैक्ट नेचर के बारे में एक्सपर्ट्स अभी भी उलझन में हैं, लेकिन टाइटैनिक कैसे डूबा इस पर आम सहमति बनती दिख रही है। नौसेना आर्किटेक्ट के फोरेंसिक पैनल के हेड गार्जेक कहते हैं, हम सभी इस बात से एग्री हैं कि जहाज सैलो एंगल पर डूबा था। हिस्टोरियंस का मानना है कि हार्लैंड एंड वोल्फ को शायद उस समय इसकी जानकारी थी, लेकिन जब ऑफिशियल इंक्वायरी में शिप बिल्डर को इस मामले में किसी भी लाइब्रेरी से मुक्त कर दिया गया तो कंपनी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। दोस्तों, कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का मानना है कि कंपनी की चुप्पी छुपाने का साइन था और डिजास्टर के बाद टाइटैनिक के सहयोगी जहाजों की रेट्रोफिटिंग या प्रूफ्स करती है कि हार्लैंड और वोल्फ को पता था कि उसका जहाज दोषपूर्ण था, लेकिन कई हिस्टोरियन एक अलग कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। लॉन्ग कहते हैं, फैक्ट यह है कि जहाज सरफेस पर टूट गया, इसका मतलब यह नहीं है कि वह कमजोर था। जब 38,000 टन पानी इसके धनुष में भर गया तो जहाज का पिछला हिस्सा पानी के 11 डिग्री ऊपर चला गया। जहाज पर उनकी क्षमता से अधिक पानी भर गया और वह दो टुकड़ों में टूट गया। दोस्तों, टाइटैनिक अधिक मजबूत हो सकता था। सर्टेनली हाई क्वालिटी वाले रिवेक्टर्स या मोटी हुल्स ने जहाज को लंबे समय तक बचाए रखा होगा, लेकिन आखिरकार टाइटैनिक को एक पैसेंजर लाइनर के रूप में डिजाइन किया गया था, न कि बैटल शिप के रूप में। मैक्लूस्की कहते हैं, जहाज उस समय उनकी सर्वोत्तम नॉलेज और प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के अनुसार बनाया गया था। इसके साथ जो हुआ उससे कुछ नहीं बच सकता था। मलबे के एक्सटेंसिव फोरेंसिक एनालिसिस ने एक तरह से टाइटैनिक की कहानी को एक फैमिलियर जगह पर ला दिया है। जहाज फ्रॉक कहते हैं, आइसबर्ग के टकराने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। जब उसने ऐसा किया तो नीचे तक उनकी जर्नी को कोई नहीं रोक सका। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी, लेकिन जहाज इतनी बुरी तरह से डैमेज हुआ था, इसका मलबा ढूंढने में करीब 73 साल लग गए। 1 सितंबर 1985 को साइंटिस्ट जीन लुई मिशेल और डॉक्टर रॉबर्ट बलार्ड ने जहाज के रिमेंस का पता लगाया था। साल 1912 में उस जहाज की कीमत $7.5 million थी। टाइटैनिक जहाज बहुत ही लग्जरी और मॉडर्न स्टाइल का था। इसका इंटीरियर देखने लायक था। दोस्तों, शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन जहाज के अंदर का इंटीरियर लंदन के एक होटल द रिट्ज से इंस्पायर था। टाइटैनिक का सफर शुरू होने के समय कुल 2200 लोग इसमें सवार थे। 2200 लोगों में से लगभग 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 700 लोग डूबने से बच गए। हालांकि कई लोगों का मानना है कि जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग थे। ऐसे में मरने वालों की संख्या 1500 से ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, अगर आपने टाइटैनिक फिल्म देखी हो तो आपने गौर किया होगा कि एक सीन में टाइटैनिक के डूबने पर भी म्यूजिशियन शांति की भावना को बनाए रखने के लिए म्यूजिक को बजाते रहे थे, लेकिन यह ऐसा वास्तव में हुआ था। वे करीब 2 घंटे 5 मिनट तक म्यूजिक बजाते रहे और आखिर में अपनी जान गंवा बैठे। जहाज को पूरी तरह से डूबने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगा था। यह टाइमिंग उस वक्त से निकाली गई है जब आइसबर्ग के स्पॉटिंग को लेकर पहला अलर्ट निकाला था। दोस्तों, टाइटैनिक जैसे विशाल जहाज के लिए कहा जाता था कि वो डूब नहीं सकता। इंजीनियरिंग के लिहाज से देखे तो यह डिजाइन के आधार पर विकसित पहला जहाज था। इसे खास तरह से बनाया गया था और उसमें खास बात यह थी कि पानी के लिए खास तरह से अलग कंपार्टमेंट बने थे, जिसमें एक हिस्सा डूबने पर दूसरा हिस्सा बच सकता था। टाइटैनिक के दो टुकड़े हो जाने को लेकर भी कई तरह के सवाल हैं कि आखिरकार ये किस वजह से हुआ। टाइटैनिक के एक्सीडेंट को लेकर यह भी सवाल उठता है कि क्रू के पास कोई दूरबीन क्यों नहीं थी। कहा जाता है कि अगर उनके पास कोई दूरबीन होती
तो वो काफी दूर पहले ही खतरे को भाप सकते थे। दोस्तों एक्सीडेंट के समय टाइटैनिक 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था और महज 3 घंटे के अंदर 14 और 15 अप्रैल 1912 की इंटरवेनिंग नाइट में टाइटैनिक अटलांटिक ओशन में समा गया। इस गेंट शिप के बारे में कहा गया था कि यह डूब नहीं सकता, ईश्वर भी इसे डुबा नहीं सकते। इस भरोसे के साथ इसे बनाया गया था। रियो डी जेनेरियो के फेडरल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ नेवल एंड ओशन इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर और इंजीनियर अलेक्जेंडर द पिन्हो अलो कहते हैं, इंजीनियरिंग के लिहाज से देखें तो यह डिजाइन के आधार पर डेवलप पहला जहाज था। जहाज में कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे, यानी कि अगर जहाज का कोई कमरा पानी से भर जाए तो वह पूरे कमरे को डुबो नहीं सकता था। दोस्तों इस जहाज को प्रिपेयरिंग करने के दौरान कुछ डिफिकल्टीज भी हुई थी। जहाज की हाइट कितनी रखी जाए ताकि इलेक्ट्रिक वायर्स और पानी के पाइप ठीक से काम करते रहे, इस पर काफी सोच विचार हुआ था। दोस्तों प्रोफेसर अलो के मुताबिक इस पर सोच विचार करने के बाद उन लोगों ने जहाज की हाइट डिटरमाइन किया था। पानी भरने के इवेंट में भी उन लोगों का एस्टिमेटेड था कि पानी रूफ की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने रूफ पर भी सेफ कंपार्टमेंट बनाए थे, लेकिन तब किसी आइसबर्ग से जोरदार टक्कर के बारे में सोचा नहीं होगा। प्रोफेसर अलो ने बताया, टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज की मेन बॉडी की हाल्फ लेंथ तक सुराख हो गया था। ऐसी सिचुएशन में पानी छत तक पहुंच गया था। दोस्तों जहाज में पानी पूरी तरह से भरने लगा था। ऐसी सिचुएशन में रेस्क्यू पॉसिबल नहीं होता है। आप पानी निकालने के लिए सभी पंप को एक्टिव कर सकते हैं, तमाम कोशिशें कर सकते हैं, लेकिन पानी जिस रफ्तार से अंदर आ रहा होता है उसी रफ्तार से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। शिप बिल्डर और नेविगेटर सिविल इंजीनियर थियरी बताते हैं, टाइटैनिक का प्रमोटेड इस तरह से किया गया था कि यह डूब नहीं सकता है। इसकी मेन रीजन यह था कि बहुत सारे सेलर्स बनाए गए थे जो वाटर टाइट बॉल से बने थे। सेलर्स की 2 रोज में पानी भरने की सिचुएशन में जहाज डूबने वाला नहीं था, लेकिन आइसबर्ग के टक्कर ने जहाजों को काफी नुकसान पहुंचाया और वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स की कई दीवारें डिस्ट्रॉय हो गई थी। दोस्तों फ्लुमिनेंस फेडरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और ट्रांसपोर्ट इंजीनियर और इलोस उरास मूर्ता के अकॉर्डिंग टाइटैनिक के वाटर टाइट कंपार्टमेंट को बंद करने के सिस्टम भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था। उस समय जहाज को बनाने में प्रयुक्त मेटल एग्जिस्टिंग स्टील जितनी मजबूत नहीं थी। सुरास मूर्ता ने बताया, जोरदार कोलाइजन के बाद जहाज के स्ट्रक्चर में भी बदलाव आ गया था। डोर्स बंद नहीं हो रहे थे, वे फंस रहे थे। उस समय भी टाइटैनिक प्योर स्टील से बनाया गया था, लेकिन तब का स्टील आज के स्टील जितना मजबूत नहीं होता था। साओ पाओलो के मैकेंजी पेसर बायटेरियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और मेटलर्जिकल के इंजीनियर जान बेताबुक बताते हैं कि साल 1940s तक समुद्री जहाज की मेन बॉडी शीट मेटल से बनता था। हालांकि बाद में इन जहाजों की मेन बॉडी बनाने में मेटल को पिघलाकर यूज किया जाने लगा। दोस्तों बेताबुक बताते हैं, तब से लेकर अब तक टेक्नोलॉजी और मटेरियल काफी बदल गई है। अब मेटल्स को पिघलाकर सीटों को जोड़ा जाता है। स्टील बनाने में भी कार्बन का यूज कम होने लगा और मैग्नीज का यूज बढ़ने लगा। आज का स्टील बहुत ज्यादा मजबूत होता है। आज के समुद्री जहाज पानी, समुद्री लहरों के उतार चढ़ाव और समुद्री तूफानों से तालमेल बिठाने में कहीं ज्यादा कैपेबल होते हैं। एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग आइसबर्ग से भरे इलाके से गुजरने की डिफिकल्टीज के बीच भी इस पर जल्दी से सफर पूरा करने का अत्यधिक प्रेशर था। दरअसल यह दबाव ब्लू बैंड को चिप करने का था। साल 1839 में शुरू हुआ यह सामान अटलांटिक ओशन के सबसे तेजी से पार करने वाले जहाज को मिलता था। टाइटैनिक को इस सामान का सबसे जोरदार दावेदार माना गया था। प्रोफेसर अलहू ने बताया, उस दौर के हिसाब से टाइटैनिक को बनाने में सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। उस समय समुद्री जहाज को बनाने के लिए दुनिया की बड़ी कंपनियों के बीच कंपटीशन थी। इंग्लैंड और जर्मनी के बीच उस समय सबसे लंबे और तेज गति से चलने वाले जहाज बनाने की कंपटीशन थी। सबसे लार्जेस्ट और फास्टेस्ट जहाज को ऑफिशियली ब्लू बैंड मिलता था। किसी भी जहाज के लिए यह उपलब्धि हासिल करने के लिए पहली यात्रा में सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता था। अलो के मुताबिक पहली यात्रा के समय जहाज की कंडीशन सबसे बेहतर होती है। पहली यात्रा में जहाज सबसे तेज गति को अचीव कर सकता है और टाइटैनिक ने भी सबसे तेज गति अचीव करने की कोशिश की थी। दोस्तों इस हादसे में जो लोग बचे उनमें से कई लोगों ने बताया कि जहाज के कैप्टन को रास्ते में आसपास के इलाकों में आइसबर्ग होने की इंफॉर्मेशन मिल गई थी, लेकिन उन्होंने जहाज की स्पीड फिर भी धीमी नहीं की क्योंकि वे अटलांटिक ओशन के सबसे तेज स्पीड से पार करने के गोल को अचीव करना चाहते थे। टाइटैनिक एक्सीडेंट में करीब 1500 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद समुद्री जहाज को सिक्योरिटी सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश शुरू हुई। समुद्री जहाजों की सेफ्टी के लिए इस हादसे के बाद से रडार जैसे इक्विपमेंट का यूज करना शुरू किया गया।
प्रोफेसर अलोह बताते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही रडार का यूज शुरू हुआ था। इससे पहले सब कुछ देखने पर डिपेंड था। एक सेलर को उस हायर पर बैठाया जाता है जहाँ से वह सामने आने वाले आइसबर्ग को देखकर अलर्ट कर सके। यही तरीका था जहाज के हाई स्पीड से चलने की स्थिति में, यह सेफ नहीं था। टाइटैनिक एक्सीडेंट में बहुत सारे लोगों की मौत इसलिए हुई थी क्योंकि उनके लिए लाइफ बोट्स नहीं थे। प्रोफेसर अलोह बताते हैं, यह जहाज कभी डूब नहीं सकता है। इस धारणा के चलते जहाज में आधे ही लाइफ बोट्स रखे गए थे। वही मूर्ता ने बताया, समुद्री के जहाजों की सेफ्टी के टर्म से यह एक्सीडेंट एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन साबित हुआ। समुद्री जहाजों की सेफ्टी को लेकर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया गया। कंस्ट्रक्शन के दौरान सेफ्टी पैरामीटर्स का ख्याल रखा गया, उसको लगातार इम्प्रूव करने की प्लान पर काम किया गया।